वरुण ने बताया गर्ल फ्रेंड नताशा की कौन सी बात उन्हें सबसे पसंद। वरुण धवन साल 2018 से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। इससे पहले उन्होंने अपने रिलेशनशिप को हमेशा गुप्त रखा, मगर अब वे कई इवेंट्स के दौरान साथ में नजर आते रहते हैं। इंटरव्यू में भी वरुण खुले तौर पर नताशा के बारे में बात करते हैं। दोनों के बारे में खबरें ये भी हैं कि वे इस साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालिया इंटरव्यू में वरुण ने अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में बातें की हैं। वरुण ने कहा, जहां तक मेरी और नताशा की बात है तो अंततः जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम मामले में एक हो जाएंगे। उसे भी होना होगा। नताशा की अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी आवाज है जो कि बहुत सशक्त है। वे इस चीज को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी हैं कि उन्हें लाइफ में क्या हासिल करना है, और उनका पार्टनर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं उनका सपोर्ट करूं। वे भी मेरे करियर को लेकर हमेशा सपोर्टिव रही हैं, यहाँ तक कि पहले दिन से ही। मैं स्कूल के दिनों से नताशा को जानता हूँ, उस दौरान से ही वे काफी सपोर्टिव रही हैं। ऐसा ही मैंने अपनी तरफ से करने की भी कोशिश की है। उस दौरान तो हम सिर्फ दोस्त थे, उस समय तो हमने डेट करना भी नहीं शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि एक कपल के तौर पर एक दूसरे में इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। फिल्मों की बात करें तो वे करण जौहर की फिल्म कलंक में नजर आएंगे। फिल्म से उनका पहला लुक जारी कर दिया गया है। इसके अलावा वे स्ट्रीट डांसर नामक एक फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके अपोजिट श्रद्धा कपूर हैं।